आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप खुद अपने घर में बगैर किसी पेंटर को बुलाए कैसे पेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान स्टेप्स हैं और बिल्कुल बिगनर्स के लिए ही हैं, और इसमें आप करके देखिएगा, बहुत आसानी से पेंट हो जाता है। तो देखिए, मैंने भी अपने घर में एक रूम को डिसाइड किया पेंट करने के लिए। और वैसे भी पेंट का काम तो ऐसा होता है, जब आप बहुत दिनों तक सोचते हो तब एक दिन आपका मूड बनता है कि हम इसको पेंट करें। तो ये जो ऊपर वाला एक रूम है, इसका कलर पिंक है, जो कि मेरी अपनी चॉइस में और कलर थीम में कहीं नहीं आ रहा था, और मैं बहुत दिनों से इसको पेंट करने की सोच रही थी। तो कलर को चूज करने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप बहुत वैरायटी है कलर की, और उसके लिए आप जब शॉप पे कलर लेने जाएं तो जो शॉपकीपर है वो आपको पूरी डिटेल नॉलेज दे देगा कि कितना आपका बजट है और आपको कौन सा वाला कलर लेना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरा एक वीडियो बन जाएगा कि कितने तरह के कलर आते हैं और हमें कौन सा वाला कलर यूज करना चाहिए। नॉर्मली पहले तो मैं सिंपल डिस्टेम्पर ले लिया करती थी, फिर एपेक्स का अल्टिमा जो आउटडोर होता है वो भी मैंने काफी यूज किया है, और मैं जो अब लेकर आई वो बर्जर का लेकर आई हूँ ये पेंट, और ये 5 kg में व्हाइट कलर का पेंट लेकर आई हूँ। और इसके साथ ये एक कलर का पेंट है, जो कि आप लास्ट में देखिएगा कि ये किस तरह का कलर निकलेगा। तो ये भी एशियन पेंट्स का एक वॉल पे करने के लिए मैं पेंट लेकर आई हूँ 1 liter। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप बहुत अच्छा कोई पेंट खरीदते हो, जैसे कि मैं रॉयल की बात करूं तो रॉयल एक अच्छा पेंट है, अगर आप कोई भी अच्छा पेंट लेते हो तो उसके लिए पहले आपको वॉल पे बहुत अच्छा बेस भी क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बेस अच्छा क्रिएट नहीं करोगे तो उस जो कलर की जो पूरी शो है वो नहीं आ पाती है, और उल्टा क्या होता है, वो कलर आपकी दीवार के जितने भी मतलब ऐब हैं या जो भी बेकार चीज़ें हैं, वो सब कमियां हैं, वो सब दिखा देता है। तो अगर आप रॉयल जैसे पेंट का यूज़ करें तो उसके लिए आप ध्यान रखिए कि बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि प्रोफेशनल पेंटर्स मिट्टी ऑयल की मदद से बनाते हैं। ज़रूरी है वॉल पुट्टी, ये लोहे की पत्तियाँ जिसकी मदद से वॉल पुट्टी लगाएंगे, और ये है सैंड पेपर जिससे कि पुट्टी की घिसाई करी जाती है। जब कभी भी लें तो घोड़े के जो बाल होते हैं ना, उनकी वाली ब्रश लीजिएगा, बहुत अच्छी चलती है। और ये एक सिंपल रोलर है जिसका कि हम यूज करेंगे पेंट करने में। तो सबसे पहली बारी आती है जब हम पेंट करना स्टार्ट करते हैं, दीवार पे हुई सीलन को, पपड़ी को, छेदों को जो है भरने के लिए, और उसके लिए जरूरत पड़ती है वॉल पुट्टी की। तो ये एक सिंपल वॉल पुट्टी मैंने ली है, कुछ लोग इस वॉल पुट्टी में POP भी मिलाते हैं और उसके बाद जो है मतलब इसे लगाते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको सिंपल ही यूज़ करती हूँ और सही रहती है। वैसे सीलन के लिए, सीलन को कैसे छिपाएं, इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको दूंगी, आप ज़रूर चेक करिएगा। और इस तरह से वाइट ये वॉल पुट्टी में मिलाया पानी, और जो इसको मैंने बनाया, देखिए उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इतनी थी, ना तो ज़्यादा जो है गाढ़ी है, ना ज़्यादा पतली है। और अब हम इसे पत्तियों की मदद से जो ये छेद होते हैं या सीलन होती है उनको भरने के काम में लेकर आएंगे। तो कुछ नहीं करना, दोनों पत्तियों में से एक पत्ती में इसको ले लीजिए और छेदों को इसकी मदद से भर दीजिए। बस कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा या गाढ़ी कंसिस्टेंसी रखेंगे तो ये बिल्कुल भी जैसे मोटी मोटी सी जो है चिपकेगी नहीं और गिरती चली जाएगी। तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर चेक करिएगा, जैसे दरारें होती हैं दीवार पे, पपड़ी जम जाती है, या देखिए जैसे इस दीवार पे सीलन थी, इसे मैंने साफ़ कर लिया है, और साफ़ करने के बाद मैं इसके ऊपर भी वॉल पुट्टी लगा दूंगी। और वैसे भी अगर आपकी दीवार में कहीं छेद वगैरह हैं तो आप वॉल पुट्टी की मदद से भर लीजिए। और इसे मैंने शाम को एक दिन पहले ही लगा दिया था ताकि इसे अच्छे से सूखने के लिए वक्त मिल जाए, और जब ये अच्छे से सूख जाती है उसके बाद ही हम आगे का काम करेंगे। और हाँ, पुताई से पहले दीवारों को क्लीन करना तो ज़रूरी ही है। तो देखिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खाना वगैरह बना के, बच्चों को आलू के पराठे वगैरह खिला के मैं आ गई ऊपर वाले रूम में ही अपने, और पुट्टी अच्छे से सूख चुकी है, और अब मैं सैंड पेपर की मदद से जो है घिसाई करूंगी। हाँ, फेस को कवर करना मत भूलिएगा, हालांकि मैं बहुत पुअर हूँ इस काम में, मैं नहीं करती हूँ। और बस हमें इसे इतना घिसाई करनी है इस पुट्टी की कि जो भी इसका लेवल है वो बिल्कुल दीवार के लेवल पे आ जाए, बिल्कुल इवन सरफेस बन जाए, इस तरह से हमें करना है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से
दबा दबा के घिसाई करिए। और एक चीज और है, अगर आपकी दीवारें थोड़ी सी भी गंदी हैं या निशान हैं तो उसमें वैसे भी घिसाई करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, दीवार बिल्कुल साफ हो जाती है। वैसे काफी सारे पेंटर दीवार पे चाहे सीलन हो चाहे नहीं हो पहले घिसाई करते हैं और उसके बाद ही पेंट करते हैं। तो अगर आपके पास आपकी वॉल्स जो है ज्यादा गंदी है तो पूरी वॉल्स पे अच्छी तरीके से घिसाई कर लीजिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज आती है जब दीवारें बिल्कुल साफ हो जाती हैं कि हम कलर को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो जो भी कलर लिया है, जैसे मैंने ये 5 लीटर का वाइट कलर लिया है जिसे मैं 3 दीवारों पर करूंगी, तो मैंने करीब इसमें से 2 लीटर जो पेंट है वो एक दूसरी बकेट में ले लिया है। एक मेरे पास ये पेंट की पुरानी बकेट्स पड़ी हुई हैं, तो इसमें मैंने करीब 2 लीटर ले लिया है। और जो ये पेंट होता है इसमें हमें मिलाना रहता है 1 लीटर में करीब 300 से 400 ml पानी, और अच्छी तरीके से हमें चला लेना है। लेकिन जो मेन आपकी पेंट की बाल्टी है उसे हमेशा बंद करके रखिए, नहीं तो पेंट सूख जाता है। और जब हमने इसमें पानी मिला लिया है तो ये पेंट हमारा रेडी हो गया है। और अब मैं इसको पेंट को करूंगी 3 वॉल पे, वाइट जो है कलर है। ब्रश में से अच्छी तरीके से पेंट निकाल लीजिए, थोड़ा सा ही पेंट रहना चाहिए। मैं पहले आपको बता दूं कैसे पेंट करेंगे। ब्रश को आगे से बस थोड़ा सा हमें चलाना है, पूरा ब्रश को फ्लैट मत करिएगा, और उसके बाद जो है रोलर की मदद से इसको बिल्कुल इवन कर लेना है। और आप जब पेंट करना स्टार्ट करते हो ना तो कुछ ऐसी दीवार से स्टार्ट करिए जो बहुत ज़्यादा दिखाई ना देती हो, या नीचे से कोनों पे से स्टार्ट करिए ताकि आपका हाथ सेट हो जाए। क्योंकि शुरुआत में जब आप ब्रश को पकड़ेंगे तो हो सकता है आपका हाथ सेट ना हो, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आ जाती हैं। जैसे ही आप करेंगे आपका हाथ जो है प्रॉपरली सेट होने लगेगा। और हाँ, अगर आप बिगनर हैं तो हमेशा ऊपर से स्टार्ट करिए पेंट करना, क्योंकि जो भी छींटें वगैरह गिरेंगी उससे नीचे का जो है पेंट अगर आपने पहले कर लिया है तो वो खराब नहीं होगा। और इस तरह से मैंने पेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो पहले करी ऊपर के हिस्से में मैंने पेंट करा है और 3 वॉल मैंने व्हाइट कलर से करी है। अभी मेन वॉल मेरी छूटी हुई है। तो जब आप पहला कोट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ धब्बे धब्बे से आ रहे हैं, या कलर पतला है या हल्का सा आ रहा है, पीछे का जो लुक है वो अच्छा सा नहीं निकल कर आ रहा है। तो उसके लिए घबराइए मत, क्योंकि पहले कोट में जो भी कुछ भी आपको अच्छा सा दिखाई नहीं देगा, नर्वस बिल्कुल मत होइए। और बस आपको पहला कोट करना है। नीचे का कलर डार्क है तो वो बहुत जल्दी वाइट कलर को नहीं लेगा, लेकिन हाँ मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगी उससे क्या होगा, आपको 2 कोट में ही बहुत अच्छा वाइट कलर आप किसी भी गहरे कलर के ऊपर कर सकते हैं, वो लास्ट में ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से मैंने एक जो है कोट, सिंगल कोट कर लिया सारी दीवारों पे, 3 दीवारों पे। और अब इन्हें हमें सूखने देना है, क्योंकि जो है बिना सूखे तो इस पर सेकेंड कोट नहीं होगा। ये आराम से 1.5 घंटे में 2 घंटे में सूख जाएगा, क्योंकि इतनी गर्मियां चल रही हैं, फैन मैंने चला दिया है। तो एक थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद अब मैं चाय पीऊंगी, और पेंटर से भी बुरी मेरी हालत हो गई है, क्योंकि हमें आदत तो होती नहीं है, कपड़े सारे जो है पेंट में हो जाते हैं। और इसके बाद मैंने दीवारों पर सेकंड कोट कर लिया, और सेकंड कोट के बाद जो है कलर बहुत अच्छा आने लगा निकलकर, जो वाइट कलर था। और इस तरह से अब मैं आ गई अपनी मेन वॉल पे, जो एक्सेंट वॉल है उसको अब पेंट करना था। लेकिन देखिए इसका कलर कितना डार्क है, और इसके ऊपर दूसरा कलर चढ़ाना थोड़ा सा लग रहा था कि चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है वाटर बेस्ड प्राइमर को यूज़ करने का। तो वाटर बेस्ड प्राइमर हैं, सस्ते आते हैं, ये 110 या 120 रुपए लीटर के हिसाब से आता है, और 1 लीटर बहुत आराम से आपका 3 से 4 वॉल्स पे, बड़े रूम की वॉल्स पे लग जाएगा। तो इसको इससे क्या होगा कि आपका जो दीवार पे कोई नया कलर जो है आराम से चढ़ जाएगा। ये 1 लीटर मैंने लिया, और इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। इसमें जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस थे मैंने वैसे ही बनाया। इक्वल अमाउंट में पानी मिलाना है, जैसे 1 लीटर ये पेंट है तो इसमें इक्वल अमाउंट में पानी मिलाया और इसको पेंट कर लिया। तो इस तरह से ये पेंट, ये जो है प्राइमर रेडी हो जाएगा। तो आपकी अगर घर में किसी भी रूम में थोड़ा सा भी कलर, अगर आपको वाइट कलर चढ़ाना है या कोई हल्का कलर लगाना है, तो उससे पहले दीवारों पर जो है वाटर बेस्ड प्राइमर का यूज़ ज़रूर करिए। और वैसे तो इसमें अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो 1 कोट पहले प्राइमर का करिए, उसके बाद वॉल पुट्टी लगाइए, फिर उसे घिसाई करिए,
और फिर उसके बाद दूसरा कोट वो इसका प्राइमर का लगाइए। तो ये तो प्रोफेशनल्स के तरीके हैं, अगर आप कर सकते हैं तो करिए। मैंने तो सिंपल क्या किया, इसका सिंगल कोट मैंने जो है लगा दिया दीवार पर, और तीनों कोट मेरे जब तक वो सूखता मैंने तीसरा कोट भी जो है दीवारों पर कर दिया है। और इस तरह से अब बस यही दीवार बची है। और इसके लिए देखिए मैं कौन सा कलर यूज़ करूँगी, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक कलर, ये भी एशियन पेंट्स का कलर है और इसका कलर कोड है K149, शायद अभी मैं यहीं पे डिस्प्ले कर दूंगी। तो इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। इस कलर को बना दिया, और जब कभी भी कोई कलर करें जो थोड़ा सा डिफरेंट है तो कहीं कॉर्नर पे करके उसको देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए। अब क्योंकि मैं तो काफ़ी पहले से जो है वॉल के कलर जो है पहले मतलब चॉइस करती थी तो थोड़ा सा आइडिया हो गया। हालांकि आइडिया तब हुआ जब मैंने बहुत सारे कलर खराब भी किए हैं, तो अब मुझे एक परफेक्ट कलर जो चाहिए था वो बिल्कुल यही था। एक्चुअली जो ये कलर है ये बे लीफ का जो है कलर है और थोड़ा सा इसका कलर डल है, तो इसकी जो खूबसूरती है वो इसके डल लुक में ही है, डल कलर में ही है। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा और डल कलर में चाह रही थी, बट ये मुझे बिल्कुल सही लगा। मैंने इसको नीचे से ही करना स्टार्ट किया क्योंकि मैं आराम से कर लेती हूँ कलर। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर निकल कर आया। ये कलर मैंने एक बार काफ़ी पहले 2-3 साल पहले मैं एक शादी में गई थी तो वहाँ होटल की लॉबी में हो रहा था और मुझे बहुत पसंद आया था। अब क्योंकि जब डेकोर के बारे में हम सोचते हैं ना तो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते रहते हैं, तो तभी से मेरे दिमाग में थी कि मैं इस कलर को करूँगी, लेकिन ये थोड़ा सा एक शेड और डल होता तो और भी अच्छा लगता। और जब कभी भी कलर चॉइस करने हैं तो आप इंटरनेट से कर सकते हैं, कलर कैटलॉग से कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जो भी कलर आप चूज़ करें वो हमेशा ये इमेजिन करिए कि वो कितना डार्क आएगा। तो इस तरह से पूरा रूम जो है दिन भर की मेहनत के बाद कुछ इस तरह से रेडी हुआ। कलर में बहुत अच्छी चमक आई और जो पिंक कलर जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था उसके बाद कलर कुछ इस तरह से हो गया। कलर तो जो हुआ वो तो एक अलग चीज़ है, बट जो इसे करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन होता है उसकी बात अलग ही होती है। तो एक तो जो पसंद आपका कलर है वो निकल जाता है और आप जो मेहनत करते हो और उसे देख के आपका मन खुश हो जाता है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कि ये कलर आपको किस तरीके का लगा है। और मुझे तो बहुत ही पसंद आया। रात भी हो रही थी, करीब 6:30-7 बज गए थे और मैं सुबह करीब 8-9 बजे की लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी इस रूम की सफाई करना ज़रूरी था। तो सफाई वगैरह करने के बाद जो काम होता है वो होता है ब्रशेस को बिल्कुल साफ़ करके रखना। तो मैंने सारी ब्रशेस वगैरह साफ़ करके रख दी। और हाँ, अगर आपको ये स्टेप्स पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कुछ और पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।